हेलो फ्रेंड, मैं इमरान अहमद अंसारी। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं मशीन के बारे में, सिलाई मशीन के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी सिलाई मशीन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है और कौन सी मशीन चलाने में हम मतलब कौन सी मशीन जब चलाएंगे तो काम बहुत ही जल्द और आसानी से काम कर सकते हैं। तो एक मशीन होता है डोरी वाला और जिसमें पट्टा लगा होता है, डोरी लगा होता है। एक मशीन बेल्ट वाला होता है जिसको हम बेल्ट कहते हैं, पट्टा कहते हैं, डोरी कहते हैं, आप अपनी भाषा में कुछ भी कहते हो। तो एक मशीन वो वाला होता है और दूसरा जो मशीन होता है, दूसरा मशीन होता है जिसमें मोटर लगा रहता है। मोटर होता है लाइट से चलता है, पावर दिया जाता है उससे चलता है। तो मोटर और डोरी दोनों में कौन सी मशीन ज़्यादा अच्छी है और कौन सी मशीन से हम काम करेंगे तो हमारा काम जल्दी और फास्ट होगा, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड आपको बता दें, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जब हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम आपको बता दें, ये जो डोरी वाली मशीन है आप देख सकते हैं, इस मशीन पे अगर जो हम लेट तक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम तक काम करते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। आपको तो पता ही होगा फ्रेंड, पैर से हम इसको ऊपर नीचे करते हैं तो ये मशीन चलता है। और इस मशीन पे अगर हम काम करते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है, हमारे पीठ में भी दर्द होने लगता है ऊपर नीचे करने से। पैर हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये मशीन इस तरह से चलता है, ऊपर नीचे हम इसको दबाते रहेंगे पावदान को। ये पावदान होता है तो इस पावदान को जब हम ऊपर नीचे मतलब इस तरह से बैलेंस बना के चलाते रहेंगे तभी ये चलता है। और ये जो इसमें डोरी लगा हुआ है, ये डोरी इसमें इस तरह से नाचेगा और ऊपर का जो ये आप देख सकते हैं इसमें डोरी लगाया गया है तो इस हिसाब से ये चलता है, तो इस हिसाब से इसको नचाता है तो ये मशीन हमारा जो है चलता है। तो इससे पैर में हमारे बहुत ही दर्द होने लगता है, ज़्यादा टाइम तक हम काम नहीं कर पाते हैं और हमको दिक्कत होने लगती है। तो इस मशीन पे अगर जो आप थोड़ा काम करते हैं मतलब ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करते हैं, आपको बहुत ही कम काम करना रहता है तो इस मशीन को आप ले सकते हैं और चला भी सकते हैं। तो कई सारी ऐसे मतलब होते हैं कि मतलब उनको चलाने में दिक्कत होता है, तो जिसको भी दिक्कत होता है इस मशीन से चलाने में वो ये वाली मशीन ले सकता है। आप देख सकते हैं ये मोटर वाला मशीन है तो इसमें मोटर लगा रहता है, इसमें कुछ करना नहीं रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसको एक्सीलेटर कहते हैं और इसको हम सिर्फ मतलब थोड़ा थोड़ा इसको दबाना रहता है। तो जितना हम इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, पुश करेंगे उतना ही ये चलेगा। तो जितना हम इसको दबाएंगे उतना ही ये चलता रहता है। तो हल्का हल्का इसको इस तरह से प्रेस करना है और ये चलता रहता है। तो इस तरह से हम इसको चला सकते हैं और इसमें हमारा पैर भी नहीं दर्द होता है, पीठ भी नहीं दर्द होता है और इससे हम ज़्यादा टाइम तक काम कर सकते हैं। तो हमको अगर जो 2-4-6 घंटे तक काम करना रहता है, जिससे कई लोग रहते हैं तो वो कारखाने में मतलब कारखाना एक होता है जहाँ पे मतलब 10-10 घंटा 12-12 घंटा काम होता है, वहाँ सब यही सब मोटर लगा रहता है और उनको काम करने में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ही आसानी से वो काम करते हैं। तो 12-12 घंटा भी इस मशीन पर बैठ के काम कर सकते हैं। तो इसको कुछ करना नहीं है, इसको जितना हम दबाएंगे उतनी ही तेज स्पीड में हमारी मशीन चलेगी। तो इसको हम हल्का दबाएंगे तो हल्का चलेगा और स्पीड दबाएंगे तो स्पीड चलेगा, जितना हम स्लो दबाएंगे उतना स्लो चलेगा और जितना हम इसको मतलब स्पीड में दबाएंगे उतने ही स्पीड में चलेगा। तो इसको जितना दबाएंगे उसी हिसाब से ये चलता है और इसको चलाने में मतलब कोई दिक्कत भी नहीं होता, बहुत ही आराम से ये मशीन चलता है। तो आप इस पर अगर जो काम करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस पर काम कर सकते हैं, 2-4-6 घंटे जितना भी आप काम करना चाहते हैं इस पर आसानी से बैठ के काम कर सकते हैं, इसमें इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो फ्रेंड अगर जो आपके पास ये डोरी वाली मशीन है तो इस मशीन को आप चेंज करके मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको डोरी निकाल देना है और डोरी निकालने के बाद इसमें इस तरह से आप मोटर ले सकते हैं। ये मोटर बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो इसका ज़्यादा रेट भी नहीं रहता है, 1800 रुपये से इसका स्टार्टिंग होता है। और इस मोटर को अगर जो आप लेंगे तो इसके साथ पूरा सेट मिल जाएगा आपको और ये ला के आप अपने मशीन में सेट कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कोई मतलब झाम भी नहीं है इसको सेट करने में, बस 2 बोल्ट दिया रहता है, बोल्ट पर इसको टाइट हो जाता है और ये टाइट करने के बाद आप छोटा सा इसमें इस तरह से डोरी लगाएंगे, ये मशीन चलने लगती है। तो फ्रेंड आपको ये मशीन ज़्यादा ही अच्छा रहेगा आपके लिए और आप इसको बहुत ही आसानी से चला सकते हैं, इसको चलाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। बस 1-2 बार आपको इसमें मतलब हैबिट बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा चला के, इसको 2-3 बार अपना हाथ सेट करना पड़ेगा इस पर। अगर जो आप 2-3 बार मशीन चला लेंगे तो आपका ये सेट हो जाएगा आपके हाथ में और बहुत ही आसानी से इस पर आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपके लिए ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा यही मशीन, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा मोटर वाला और इस पर आप आसानी से काम कर सकते हैं, जितना भी काम करना चाहते हैं उतना आप इसको चला के काम कर सकते हैं, 2-4-6 घंटे तक भी काम कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके पैरों में दर्द भी नहीं होगा। तो हमारे हिसाब से ये मशीन तो सही है।
फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए।